हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम बात कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जिसमें मैंने कार्बीन के अंदर इससे पहले के दो वीडियो में कार्बीन की स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन की कंपेरिजन के बारे में और इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात की। पिछले वीडियो में मैंने इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर डिमांड रिएक्शन स्टडी की। आइए उसी सीक्वेंस में आज हम एक नई रिएक्शन लेके आए हैं, दैट इज आरेंट आइंस्टर्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड अपने हायर होमोलोग में कन्वर्ट होता है बाय पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है सपोज RCOOH। अगर मैं इसकी रिएक्शन सीरीज ऑफ रिएजेंट से करवाऊं, पहली रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से, देन डाइएजोमेथेन से, थर्ड सिल्वर ऑक्साइड से और हाइड्रोलाइसिस करवाऊं बेसिक मीडियम में, तो ये अपने नेक्स्ट होमोलोग में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने नेक्स्ट होमोलोग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी रिएक्शन जिनमें कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है उन्हें स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं R इज इक्वल टू CH3 ले लूं, तो इस रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 1+1 2, जबकि प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन। तो ऐसी रिएक्शन को हम स्टेप अप रिएक्शन या होमोलोगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर होमोलोग बनता है। इस रिएक्शन की एक और खास बात यह है कि इसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक ग्रुप काइलेन कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो इसके अराउंड जो एटम्स का ओरिएंटेशन है वो इस प्रोडक्ट में भी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होता है लास्ट स्टेप में, जिसके अंदर हमारी एसाइल कार्बीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एल्काइल कीटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि कितने स्टेप में पूरी होती है रिएक्शन, और फिर हम बाद में देखेंगे इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो जहां तक इस रिएक्शन का सवाल है, 4 रिएजेंट हमने यूज किए हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन 4 स्टेप में पूरी होगी। तो मैं एक एक करके पहले इसको समराइज वे में बता रहा हूं, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला RCOOH, सबसे पहले केमिकल दिया आपको थायोनिल क्लोराइड, तो इससे रिएक्शन करके RCOCl बनाती है, एसिड से एसिड क्लोराइड बनता है, नंबर 1 रिएजेंट। सेकंड रिएजेंट आपको दिया हुआ है CH2N2। CH2N2 एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है इसके साथ में, तो RCO CH2N2 की फॉर्मेशन हो जाती है, RCO CH2N2 की फॉर्मेशन हो जाती। थर्ड स्टेप में थर्ड रिएजेंट है आपका Ag2O के साथ हीट करना। इसमें हालांकि ये बहुत लंबा स्टेप है, इसके अंदर इसका RDS भी इन्वॉल्व होता है, मैं फाइनली लिख रहा हूं क्या बनता है। इसमें लास्ट में RCH CO एल्काइल कीटीन का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा लास्ट स्टेप इसका हाइड्रोलाइसिस का स्टेप है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है इधर OH और इधर H होने से फाइनल प्रोडक्ट आपका RCH2COOH मिल जाता है। तो अगर इस कंपाउंड में 2 कार्बन हैं, तो इस प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिलते हैं, 3 कार्बन मिलते हैं। तो ये जो 4 स्टेप हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है, इसका थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो ये इस रिएक्शन की इस तरह से समराइज फॉर्म है, ये इसकी समरी है कि किस तरह से हम रिएक्शन को करते हैं। आइए हम आरेंट आइंस्टर्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, तो हर स्टेप की अपनी अपनी मैकेनिज्म होती है,
तो जहां तक पहले सवाल का पहले स्टेप का सवाल है, आर सी ओ एच एसओसीएल, बच्चों हम लोग जानते हैं OH को CL में कन्वर्ट करने के लिए हम SOCl2 का यूज करते हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो यहां भी वही रिएक्शन है, ये CL इस OH को रिप्लेस कर देगी, तो ये RCOCl, और आप लोग जानते हैं साथ में क्या बनता है, SO2 गैस और HCl गैसेस प्रोडक्ट की फॉर्म में बनती, और जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट गैसेस होती हैं वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट चलती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, और यील्ड जो होती है रिएक्शन की वो बहुत ज्यादा मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा बनता है एसिड क्लोराइड, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा एसिड क्लोराइड। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड स्टेप, अगर मैं बात करता हूं सेकंड स्टेप की, तो इसके ऊपर अटैक करता है, इसके ऊपर अटैक करता है डाई एजोमेथेन, चार्जेस आपको आते ही लगाने, तो ये सीएल माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये जो ग्रुप है अटैच हो जाता है तो आर सी ओ सी एच टू एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। क्या मैं इस कंपाउंड को डाई एजो कीटोन कह सकता हूं, क्या मैं इस कंपाउंड को डाई एजो कीटोन कह सकता हूं, क्योंकि इसमें डाई एजो ग्रुप और कीटो ग्रुप भी लगा हुआ। अब अगर मैं इसको हीट करता हूं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ध्यान दीजिएगा सिल्वर ऑक्साइड एक वीक बेस होता है, ये इस कंपाउंड में से एसिडिक एच को रिमूव करेगा, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है ये जो एच है बच्चों, ये वाला एच, क्या ये एसिडिक एच नहीं होगा क्या? ये देखिए इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डेफिनेट हो जाता है, इसके कारण ये H H+ की फॉर्म में निकल जाता है, और जब ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा तो आपके सामने जो स्पीशीज आएगी वो आएगी आर सी ओ सी एच, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया है, N ट्रिपल बॉन्ड है, ये स्पीशीज बन जाती है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उस केस में आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट को मैं एसाइल कार्बीन कह सकता हूं, इसको मैं एसाइल ग्रुप कहता हूं। अगर R is equal to CS3 हो जाए, अगर R is equal to CS3 हो तो मैं इस कंपाउंड को क्या, इस ग्रुप को क्या बोलता हूं, एसाइल, CH3CO को एसाइल बोलते हैं, तो इस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं, एसाइल कार्बीन बोलते हैं। तो तीन स्टेप तक तो आपकी कार्बीन बन जाती है। अब थर्ड स्टेप का लास्ट प्रोसेस क्या है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं क्योंकि ये रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज्यादा स्टेबल स्पीशीज तो नहीं होती, पर जैसा कि आपने सिंगलेट कार्बीन में सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है आपने, सीखा हुआ है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें और ये इलेक्ट्रॉन अगर आर के पास मूव करेंगे तो आर नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को देके लेके इस वैकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाएगा आके, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, और ये आ गया डबल बॉन्ड, और ये आ गया, क्या हुआ, तीन स्टेप, तीन काम हो, लोन पे इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये बन गया डबल बॉन्ड और ये आर नेगेटिव, और आर नेगेटिव ने इसके वैकेंट से बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया, क्या मैं इसको एल्काइल किटीन कह सकता हूं। आप लोग जानते ही हैं किटीन क्या होती है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर सी एस टू के एच की जगह पर एक आर आ जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्काइल कीटीन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं लास्ट स्टेप की, तो मैंने बोला आपको पहले भी बोल दिया, मैंने बोला ये इसका फर्स्ट स्टेप है और ये इसका सेकंड स्टेप, उसके बाद में ये सारा जो है ये सारा हम किसके अंदर काउंट करते हैं, थर्ड स्टेप यहां पर आके खत्म होता है, उसके बाद मैं करूंगा इसका हाइड्रोलाइसिस, और जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा, जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा H2O, तो आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, CO पॉजिटिवली चार्ज होता है तो OH जोड़ देंगे और CH के साथ H जोड़ देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2COOH। हालांकि इसके भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, बेसिक मीडियम में इसकी भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, पर आप लोग इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही जब इसको ब्रेक करेंगे ये वाला पार्ट होगा नेगेटिवली चार्ज, ये वाला पार्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ OH लगा देना और नेगेटिव चार्ज के साथ क्या लगा देंगे, H। तो ये एंटायर मैकेनिज्म है आरेंट आइंस्टाइन रिएक्शन के बारे में। आइए हम
अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करते हैं। तो जहां तक आरेंट आइंस्टाइन रिएक्शन का सवाल है, मैंने अभी आपको दो तीन पॉइंट बताए। मैंने बोला एक तो इस रिएक्शन में होमोलोगेशन होता है, वो तो आपने देख लिया, और दूसरी बात मैंने बोली कि इसके अंदर जो कॉन्फिग्रेशन होता है वो रिटेंड रहता है, यानी कि कॉन्फिग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रिएक्शन को स्टीरियो कंजर्वेटिंग रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बियल कार्बन का जो कॉन्फिग्रेशन है, जिसके अराउंड जो ग्रुप लगे हुए हैं, वो चेंज नहीं होता, ऐसे रिएक्शन को स्टीरियो कंजर्वेटिव रिएक्शंस कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का, आइए देखते हैं। मान लीजिए कार्बन आपका कायरल है और इसके साथ आपका COOH लगा हुआ था, तो कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होगा? कायरल कार्बन वो होगा जिसके साथ सारे ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, और ये मान लीजिए सी है। तो ये मैंने इसको कायरल कार्बन बना दिया, तो इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। और अगर मैं इन सीरीज ऑफ केमिकल से डील करने के बाद, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये सारे स्टेप करने के बाद जब मैं इस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो मुझे इस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज दिखाई नहीं देता। बस फर्क इतना सा है कि जो आपका COOH ग्रुप था उसके और कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, CH2 ग्रुप आ जाता है। आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोला जाता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की, इसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जब मैं आपको 19 पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आप याद रखिएगा, वहां भी मैं यही बात करूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस रिएक्शन के रिगार्डिंग सीखनी। एक छोटी सी बात और आपको जो सिखाने के लिए जरूरी है, तो एक तो मैंने बोला जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक तो मैंने ये बताया आपको, सेकेंडली क्या मैं बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको किटीन दिया होता है, एल्काइल किटीन, जब भी आपको एल्काइल किटीन दिया होगा, तो आपने क्या किया है, आपने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया है। आपने क्या करवाया है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया है। मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रोलाइसिस के अलावा इसका अमोनोलाइसिस और इसका एल्कोलाइसिस भी करवा सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने क्या करवाया, HOH, बेसिक मीडियम तो लेना ही पड़ेगा, बेसिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। अगर मैं इसके हाइड्रोलाइसिस की जगह पर इसका एल्कोलाइसिस कराऊं तो ROH जोड़ूंगा, और अमोनोलाइसिस कराऊंगा तो H और NH2 जोड़ूंगा। आप लोग सब जानते हैं वाटर की पोलैरिटी में H+OH- H+OR- H+NH2- होता है। तो इसकी क्या ट्रिक है इसको जोड़ने की, ट्रिक ये कि आप इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दीजिए, इस पार्ट को पॉजिटिवली चार्ज, इस पार्ट को नेगेटिवली चार्ज, उसके बाद आप इसको जोड़ते जाइए। तो नेगेटिव के पास तो पॉजिटिव जोड़ दीजिए, और पॉजिटिव के बाद क्या जोड़ दोगे, नेगेटिव। तो पहला प्रोडक्ट तो आपने बना ही रखा था, बस मैं लिख रहा हूं क्या हो गया था पहला प्रोडक्ट, RCH, इसके साथ H जोड़ना है और CO के साथ क्या जोड़ना है, OH। तो ये तो आपने देख लिया, आपका हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, आपका हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं इसी पाथवे को फॉलो करता हूं, तो यहां भी पॉजिटिव पार्ट H ही है, लेकिन CO के साथ इस बार जो नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा बेटे, वो OR जुड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको R डैश भी कर सकते। क्या मैं इसको RCH2COOR- क्या मैं इसको एस्टर कह सकता हूं, यानी कि अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हायर एसिड बनेगा, लेकिन अगर आप इसका एल्कोलाइसिस करोगे तो हायर एस्टर बनेगा। उसी तरह से एच और OH, एच लगेगा यहां पर और NH2 यहां लगेगा, तो RCHH C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लगेगा बच्चों, NH2 लगेगा। इस कंपाउंड को क्या मैं हायर एमाइड कह सकता हूं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है एल्काइल किटीन का केवल हाइड्रोलाइसिस से पूछे आपसे, आपसे एल्कोहोलाइसिस और अमोनोलाइसिस से पूछ सकता है। उस केस में जो बनने वाले प्रोडक्ट आएंगे, हाइड्रोलाइसिस में सिंपल एसिड आएगा, एल्कोहोलाइसिस में एस्टर आएगा, और अमोनोलाइसिस में एमाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग आरेंट आइंस्टाइन रिएक्शन। अब एक तो एग्जाम्पल से मैं अपनी बात क्लियर करना चाहता हूँ।
तो पहली बात जो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए, प्रॉब्लम्स ऑन आरेंट आइंस्टाइन रिएक्शन, आप शॉर्ट में इसको ए ई आर भी कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए आपको इसने ये कोई ग्रुप दिया CH2COOH और उन्हीं चार केमिकल के साथ ये रिएक्शन करवा रहा है SOCl2 CH2N2 Ag2O हीटिंग एंड हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम, तो आपसे प्रोडक्ट पूछा इसने क्या बनाएगा। सेकेंड, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है COOH HCS3 C2H5 और सेम केमिकल दे रहा हूं 1 2 3 4 सेम टू सेम जो पिछले क्वेश्चन में दिए हैं, तो भी आपसे प्रोडक्ट पूछा है। थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक रिंग दिया हुआ है, इस रिंग में आपको यहां दिया हुआ है COOH और यहां दिया हुआ है मिथाइल ग्रुप, यहां आपको दिया हुआ है मिथाइल ग्रुप और वही सीरीज ऑफ रिएजेंट आपको दी हुई है 1 2 3 4 सेम। फोर्थ क्वेश्चन यहां दे रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है COOH CHO CH3H और आपको 1 2 3 और 4 सेम एलिमेंट सीरीज दे रखी है और आपसे प्रोडक्ट पूछा है क्या बनेगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो एक और पूछ लेता हूं, मैं 5 नंबर यहां पूछ लेता हूं। 5 नंबर में आपको एक रिंग दी हुई है, इस रिंग में COOH ग्रुप आपको डैश पे दिया हुआ है और ये ग्रुप आपको वेज पे दिया हुआ है, एम ए आपको वेज पे दिया हुआ है और आपसे इन्हीं सीरीज ऑफ रिएजेंट को देके पूछ रखा है कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन आपने आरेंट आइंस्टाइन रिएक्शन के थ्रू करने, आइए एक एक करके सबकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, हाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये कार्बन आप क्या मान लीजिएगा, कार्बन 14 मान लेना, डाइएजोमेथेन वाला कार्बन, ये कार्बन मान लीजिए मैंने आइसोटोपिक कार्बन ले लिया ताकि मुझे पता लग जाए कौन सा कार्बन कहाँ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जिसने मैकेनिज्म पढ़ी होती है उसको पता है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और इसकी जगह इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डाइएजोमेथेन का CH2 आ जाता है। तो जब भी हमें प्रोडक्ट बनाना होगा हम सी और COOH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और उनके बीच में क्या लगा देंगे, CH2 ग्रुप लगा देंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये वाला, तो ये ग्रुप एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, लेकिन ये जो CH2 आएगा एक और बढ़ेगा, जो ये कार्बन कौन से वाला होगा, C14 वाला होगा और उसके बाद में नीचे लिख देता हूं उसके बाद मेरा COOH। पर आप ये ध्यान देना, ऐसा मत कर देना कि ये 14 कर दो और ये सिंपल कार्बन कर लो, 14 वाला राइट साइड में आएगा और सिंपल वाला लेफ्ट साइड में आएगा। तो फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया, आइए सेकंड की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कॉन्फिगरेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसकी जगह पर CH2COOH, आपको बताइए ये कौन टूटेगा, इसका ओरिएंटेशन तो चेंज होना ही नहीं है, तो ये तीनों तो ऐसे लगे रहेंगे, ये तीनों तो ऐसे लगे रहेंगे, बस इसकी जगह पर CH2 ग्रुप एंटर हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर आपने इस तरह से करना। आइए हम बात करते हैं थर्ड वाले, अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो कुछ नहीं करना मुझे, मुझे केवल इसको वेज पे ही रखना पड़ेगा बेटे, जो CH2COOH है इस तरह से शो करेंगे, वेज की जगह वेज ही है और इसको कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो डैश पे बिल्कुल वैसे ही मिथाइल शो किया जाए। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं COOH को तोड़ के CH2COOH कर रहा हूं और कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं कर रहा। अब मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करूंगा, इस क्वेश्चन में मिथाइल को तो चेंज करना ही नहीं, बस डैश के ऊपर ही ये सी कार्बन मान लेना, इसको COOH यानी कि एक कार्बन आपका इंक्रीज हो जाएगा।
पर इतना सा याद रख लेना आप लोग, कई बार क्या होता है वो इससे उल्टा कॉन्फ़िगरेशन दे देता है। जैसे मैं ऊपर दे रहा हूँ, मान लीजिए, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, मान लीजिए अगर आपको ये कहे कि आंसर ये है, तो क्या आप इसको सही मानेंगे कि गलत मानेंगे? मान लीजिए इसने आंसर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, अब बताइए ये आंसर सही है या ये आंसर सही? तो आप कहेंगे मोस्टली सर ये आंसर सही है। आप हर बार ही तो बोल रहे हो कि इसके अराउंड कोई चेंज नहीं होगा और इसके अराउंड भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ठीक है, लेकिन आंसर वो भी है क्योंकि ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है। जब साइक्लोहेक्सेन में 1 और 4 कंडीशन पर एक वेज पे और एक डैश पे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई वेज पे है कि डैश पे, दोनों कंपाउंड एक जैसे ही होते हैं। तो इसका मतलब ये नीचे है प्लेन से और ये ऊपर है, और इसका मतलब ये प्लेन के ऊपर है और ये नीचे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए रेड वाला आपका है COOH, ये नीचे है, और ब्लू वाला है आपका CH3 ऊपर है। अगर मैं इसको पलट दूंगा तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर, यानी कि मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहेगा, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए जो आपसे गलती करवा लेगा, तो दोनों आंसर आएंगे। मैंने जो पांचवा केस किए, ये वाला केस पढ़ा, चौथे वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानबूझ के मैं इसको सबसे लास्ट में डील कर रहा हूं। मेरे पास बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, पर कॉन्फ़िगरेशन की मेजरमेंट जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है। आप जिसको RS नोमेनक्लेचर कहते हैं, वो भी कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए आप थ्योरेटिकली यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं उसको प्रूव करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के बावजूद एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। समझ नहीं आया आपको? देखो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल में कि जिस एटम के अराउंड आप देख रहे हो बाकी एटम कैसे लगे हुए, उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन को निकालना या पता करना कि इसमें एटम कहां कहां कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल बात होती है। हम क्या पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर, हम कहते हैं एक कंपाउंड आर है, दूसरा कंपाउंड एस है। तो जो आर या एस आप नेम देते हो वो तो रूल के बेस पे देते हो, ये जो नेम देते हो ये थ्योरेटिकल होते हैं, जिसको आप कोहन इन गोल्ड प्रेलोग के बेस पर देते हो कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में 1, 2, 3, 4 जाने पर क्लॉकवाइज मूवमेंट आती है उसको आर बोलते हो, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आती है तो उसको एस बोलते हो, यही है, ये थ्योरेटिकल रूल है। तो क्या मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं होता, सही बात है, लेकिन RS नोमेनक्लेचर चेंज हो सकता है प्रोडक्ट, RS नोमेनक्लेचर चेंज हो सकता है। तो मैं एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता तो प्रायोरिटी टेबल आपको पढ़नी है, ये मैं नहीं बताऊंगा इस लेक्चर में। तो ये प्रायोरिटीज है 1, 2, 3, 4, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है COOH की, उसके बाद में C2H5 की, उसके बाद में CH3 की, सबसे कम H की। तो अगर मैं 1, 2, 2, 2, 2, 3 जाता हूँ, 1, 2, 2, 2, 2, 3, और जाने पर अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट आती है तो हम क्या बोलते हैं कंपाउंड कैसा रहेगा, आर रहेगा। तो देखते हैं 1, 2, 3, ये लो 1, 2, 3 जा रहा हूं, ये मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज आएगी तो ये कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या काउंट होगा, आर, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। हाँ, अगर मैं इधर आता हूं तो इधर भी वही प्रायोरिटी रूल 1, 2, 3, 4, तो यहां पर भी 1, 2, 3, 3, 2, 4 जाऊंगा, तो कॉन्फ़िगरेशन यार एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहेगा। कई बच्चे इसको समझ लेते हैं कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर ये भी कंपाउंड आर है और ये भी कंपाउंड आर है, लेकिन जरूरी नहीं है, कई बच्चों को क्या लगता है आर ही रहेगा। मैंने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल बनाया है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इसका प्रोडक्ट आपसे पूछूं तो प्रोडक्ट तो आप इसका निकाल ही लेंगे, कैसे, बस इसको हटाएंगे और CH2COOH लगा देंगे, तो बाकी तो कोई चेंज करना नहीं है आपको। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नंबरिंग करते हैं रिएक्टेंट में 1, 2, 3 एंड 4, तो 1, 2, 3 जाने पर कैसा आ रहा है, आर, क्लॉकवाइज है तो आर। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो पहली प्रायोरिटी इसकी हो गई, CH2O की प्रायोरिटी CH2COOH से ज्यादा होती है, ये रूल आप एक बार पढ़ लेना किसी बुक में। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो जब इस बार आप 1, 2, 3 में जाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यानी कि कंपाउंड कैसा होगा, एस होगा, यानी कि आर से, ये कंपाउंड आर से क्या बन गया, एस बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसका मतलब यही है केवल इनका RS नेमिंग चेंज हो गया, जो कंपाउंड पहले आर था लिखा हुआ थ्योरेटिकली और ये क्या बन गया, एस।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन निकालना मॉलिक्यूल का एक इंटरनल मैटर है, वो प्रैक्टिकली निकलता है। आर एस निकालना एक थ्योरेटिकल चीज़ है। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन के चेक को हम पता ही नहीं लगा सकते। मतलब अगर कोई कंपाउंड आर है और दूसरा एस है तो हम इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता लगा सकते। हम इतना सा बता सकते हैं कि फिजिकल प्रोजेक्शन में आर क्यों है और वो एस क्यों है। तो इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये आर एंड आइंस्टाइन रिएक्शन थी। मैंने आपको इसकी रिएक्शन के बारे में, इसके चारों स्टेप की समरी के बारे में, इसकी मैकेनिज्म के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में कुछ बातें बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप ज़रूर कर लीजिए। आप विश्वास कीजिए रोज़ आपको एक वीडियो तो मिलेगा मिलेगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिससे मेरा भी मोटिवेशन होता रहेगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है। तो चैनल में यहाँ कहीं मेरी पिक आएगी, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। नोटिफिकेशन को ऑन करते ही ये सारे वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा उसी वक्त आपके मोबाइल पर आ जाएंगे और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच।